अरे भैया भैया आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको पिंटू ने काटा है। पिंटू ने, पिंटू का काटा हुआ जो है ना वो मरता नहीं है, सिर्फ तड़पता है। मुझे बचा लो भैया, मुझे चक्कर, मुझे बेहोश। जो तू बेहोश है गए। अरे सक्सेना जी कहेंगे तय तो ना बोल जाएंगे। अरे भाई मैंने कहा ना इनको कुछ नहीं होगा, इनको पिंटू ने काटा है। पिंटू ने, पिंटू का काटा हुआ जो है वो तड़पता है, मरता नहीं है। अगर इनको चिंटू ने काटा होता ना तब जरूरी टाइम बोल जाते। अच्छा। तुम एक काम करो, हाँ। इनका जहर जो है वो चूसो, ये तुरंत होश में आ जाएंगे। अच्छा हम क्यों चूसे, आप चूसो। अरे मेरा व्रत है, मैं आज नहीं चूस सकता, तुम चूसो। तुम्हारा दिमाग खराब है सक्सेना भैया, हम क्यों चूसेंगे है? जो जहर है मरमरा गए तो कहीं। आई कांट सक। अरे यार मैंने बोला ना कि ये जहरीला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग बस चूसो, तुमको सिर्फ दो पैक का नशा होगा, ब्लैक हॉर्स विस्की वाला। चूसो। नशा है गया। नशा पक्का। आ चीयर करते हैं जी। आ जा। चीयर्स। अरे इसी इंग्लिश में काटो है। चीयर्स। यस चीयर्स। सच्ची पता नहीं का प्रॉब्लम है, वो उन उन बिचारन को अगर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जगह दे दे, पता नहीं का हो जाएगा। अगली अम्मा को फोन करके ना तनी को हलवाई का नंबर ले लेना। हमको कछु नहीं करना है, और एक बात साफ साफ सुन लीजिए, हाँ हमको कोनो एनी ब्लूबेरी भी नहीं मनाना है। एनी ब्लूबेरी एनिवर्सरी तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़ा है। संभाल के सेठ जी, संभाल के। अरे ढंग से लेके चल। भैया आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, हैं आपको पिंटू ने काटा है, और आप तो जानते ही हैं कि पिंटू का काटा हुआ मरता नहीं है, सिर्फ तड़पता है। मैं कम बखत पिंटू है, चिंटू है, टिंटू था तो वो सांप ही ना बे। आई लाइक इट। हाय दी ओ देखिए देखिए ओ देखिए, वो बेचारे भरभूति जी को सांप काट लिया है। ये सब आपकी आपकी वजह से हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो, हमारी वजह से काय हुआ है? और ना ही तो का, थोड़ा सा जगह ही तो मांग रहे थे प्रैक्टिस के लिए, ओ देखिए उनको सांप काट लिया। आप एक ठो कलाकार को हर्ट किए हैं। वो हर्ट होता है ऐसे ही पकड़े हैं हम। भाई अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी, हमारी बच्ची कैसन बा? हम ठीक ना ही बा अम्मा जी। अरे काहे का हुआ है? अरे तुम्हारे लिए तो कितना खुशी का दिन है, तुमको तो खुश रहना चाहिए। का हुआ, का बात है बोलो। लेकिन कैसे खुश होंगी, ई लड्डू के भैया हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिए। उबाइल को फोन दो, फोन दो उबाइल को। हाँ मैं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कारे बैल, तू इस खुशी के मौके पे हमारी बहुरिया का दिल तोड़ रहा है, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझा? अरे हम तुम्हारी बहुरिया का दिल नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि इस चीज का फायदा उठा रही है। का फायदा उठा रही है? अम्मा ये उन भिखारी कव्वालों को घर में घुसाकर ड्रामा करवाना चाह रही है। अम्मा जी देखिए, का है ना, पहली बात तो कबाड़ी नाई है, बहुत बहुत बड़े कलाकार है, उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस का जगह चाहिए था, लेकिन लड्डू के भैया मना कर दिया। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा घर है, अगर थोड़ा सा जगह दे देंगे तो कछु तूफान आ जाएगा। का कछु नहीं होगा, बिल्कुल देना चाहिए उन लोग का प्रैक्टिस के लिए जगह। हाँ उन लोग को बुलाओ अपने घर में, प्रैक्टिस कराओ, और ये बैल बीच में कछु बोले ना तो कहता हम देख लेंगे। हाँ आ रहे भाभी जी, आपके पास ही आ रहे हैं। आ जाओ। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आप आइए आइए, कॉफी पियेंगे आप? जी अच्छा नहीं पियेंगे, वैसे भी ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी जी बैठिए बैठिए। अरे आप वहां क्यों बैठ गए? एनीवेज ठीक है ना, अपना ही घर समझिए, नॉट लिटरली। और बताइए क्या चल रहा है? फिलहाल तो कवालियां चल रही हैं भाभी जी। वाह तिवारी जी वाह, मैं आपको हिम्मतदार आदमी कहूं या
बेवकूफ कहूँ। ऐसा क्यों कह रही है भाभी जी? ठीक ही तो कह रही हूँ, मतलब आप विभू को झेल कैसे रहे हैं? एक बार बताइए, जब वो रातों को रियाज करता है तो आपको चैन की नींद आ जाती है? भाभी जी, हम सो तो जाते हैं, नींद भी आ जाती है, लेकिन चैन गायब हो जाता है। वाह तिवारी जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको नींद आ भी जाती है। मेरे कानों को तो इतना भारी पड़ गया था कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे जिंदगी में कभी नींद ही नहीं आएगी। बस इसीलिए मैंने इतना कड़ा डिसीजन लिया कि विभू और उसकी टोली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आपने उसको अपने घर में जगह देकर ना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। क्या करें भाभी जी, ऊपर वाले ने हमें दिल ही इतना बड़ा दिया है। अब जब इतना बड़ा दिल दिया है तो उस दिल का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि कोई और इस दिल का ख्याल नहीं रखता। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी, जब इंसान को बड़ा दिल मिलता है तो आए हैं। किस लिए आया है बे? हाँ भाभी जी, हमारी वो शादी की 10वीं सालगिरह है। अरे वाह तिवारी जी। जी भाभी जी, ये शादी की सालगिरह हम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस भाई जी। सिर्फ कंग्रेचुलेशन से ही काम नहीं चलेगा। तो क्या आपकी आरती उतार कर आपको कंग्रेचुलेट करूं? हाँ नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि आप फंक्शन में आए, अपने शुभ हाथों से हमें आशीर्वाद दें। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो मैं आपकी दादी अम्मा नहीं हूँ जो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, आपकी वेलविशर हूँ। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, और दुआ तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ तिवारी जी। मतलब आप एनिवर्सरी में तो आएंगी ना? तिवारी जी, मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाभी जी, कहना बड़ा आसान होता है कि मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कभी कभी निमंत्रण देने वाले के जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आपने तो डायरेक्ट ये कहकर हमारा दिल तोड़ दिया कि आप नहीं आएंगी। अब नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे ग्रूमिंग क्लासेस एसोसिएशन की एक मीटिंग है लखनऊ में, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मीटिंग इधर उधर हो गई तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर नहीं आ पाई तो प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा भाभी जी। हाँ हाँ ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगी तिवारी जी। चलिए चलते हैं, और जगह भी निमंत्रण देने हैं। जी तिवारी जी, एक बात बताइए, जब विभू ऐसे रात में रियाज करता है तो क्या वाकई में आपको नींद आ जाती है? भाभी, जहाँ तक हमारी नींद का सवाल है, हमारे कान में कोई ढोल नगाड़े भी बजाएगा ना तो भी हम सो जाएंगे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश। क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे सुन रही हो कुछ? हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कव्वालों के शहर में आके बस गए हैं। वो तो लड्डू के भैया भरभूति जी रीति रिवाज कर रहे ना, दुनिया के रीति रिवाज कर रहे हैं, वो रियाज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, पता नहीं क्या। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कानों के पर्दों में ना कोई सुई चुभ रहा है, ऐसे ऐसे करके। आज तो कान में रुई डालिए और सो जाइए, हमको तो बहुत अच्छा नींद आ रहा है। अरे चुप रहो, जाइए। मतलब हम अपने घर में, अपने ही बेडरूम में अपनी नींद के साथ समझौता करें? खटिया खड़ी कर, हम भी आते हैं, क्या हुआ? अरे ठहरो, अब बताते हैं इन्हें। अबे बंद करो ये सब, बंद करो। इतनी जोर जोर से तालियां पीट रहे हैं, यहाँ पर हमारे कानों में इफेक्ट हो रहा है। तिवारी जी, ताली के बगैर तो कव्वाली का कोई वजूद ही नहीं है। नो ताली नो कव्वाली, इट्स लाइक अ गाली। क्या बात है भरभूति जी, आप कव्वाली पर जो है कितना एसटीडी किए हैं। अब तुम
भाभी जी वो स्टडी होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी अभी आपने नॉलेज सुनी कहाँ है? कव्वाली हजरत अमीर खुसरो की वो हसीन वो खूबसूरत पेंटिंग है जिसने हिंदुस्तानी मौसीकी के कैनवस पर अपने खूबसूरत रंगों से हर संगीत सुनने वाले शख्स को अपने संगीत से शराब बोर कर दिया। और आप हमें बोर कर रहे हैं यार। शराब बोर कर दिया है, समझे? कुछ मत फरमाइएगा, समझे? समय हमारा सोने का टाइम है। कहने दीजिए ना, कितना मजा आ रहा है, बोलिए बोलिए। अरे तुम्हें अगर इतना मजा आ रहा है ना तो इनके साथ बाहर चली जाओ, समझी? और फिर जो कुछ भी है, कव्वाली सुनो, दादरा सुनो, कहरवा सुनो, जो मन में आए सो सुनो। हम कहाँ जाएंगे बाहर? हाँ, आप इन्हीं लोगों को यहाँ बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करने दीजिए ना इनकी टोली को। तुम? ओ तिवारी सेठ, पहले जब हम बदतमीज क्या करते थे तो तुम हमें बदतमीज कहते थे, और अब हम इज्जत के साथ कव्वाली गा रहे हैं तो तुम हमें भगा रहे हो? बल्कि तुम्हें तो उल्टो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम अदब अदब बावले अदबो अदब की दुनिया में कदम रख रहे हैं हम। अबे सुनो बे लांडो, सक्सेना जी अदबो अदाब से तहजीब से मुखातिब हुई है लांडो से। सॉरी हुजूर, देखिए जनाब आलम, ये जो शख्स यहाँ खड़ा है जिसका नाम है मनमोहन तिवारी, इसका अदबो आदाब से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। बेशक। और अगर ये शख्स कोई रिश्ता बनाता भी है तो सिर्फ उसमें अपना फायदा और नुकसान देखता है। आई लाइक इट। हमारे घर में हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। अब यहाँ जो भी रियाज वगैरह होगा ना, ये हमारी मर्जी से होगा। जोर जोर से साले ताली पीट रहे जैसे साले मच्छर मार रहे हो, समझे? अभी थोड़ा ये जो वॉल्यूम है ना, ये ताली वाली का थोड़ा कम कीजिए, समझे? अच्छा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बताइए कि क्या वॉल्यूम सूट कर रहा है आपको। हाँ ये ठीक है। अबे ये बहुत लाउड हो रहा है, इसे तो थोड़ा कम करो। कम इतना इतना। हाँ, ये वलीमा ठीक है। अभी ये वलीमा तो शादी के बाद होता है। आप वॉल्यूम कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ये दो बार बजा के दिखाई दे रहा है, एक मिनट। नहीं ये भी लाउड हो रहा है, ये भी लाउड है, थोड़ा कम कीजिए। इतना इतना नहीं, लाउड है, कम इतना। अबे कम थोड़ा भैया, जब मैं वॉल्यूम कहाँ है, आवाज ही ना आ रही। बिल्कुल ना आ रही, थोड़ा सा विभूति सेठ वॉल्यूम को ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा। हाँ थोड़ा ऊंचा किया जा सकता है। इतना इतना। अरे नहीं यार, ये भी बहुत लाउड हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा। यहाँ सेट कर लीजिए, ये ठीक है। चलो पगली, चलो सोने चलो। हमको सुनने दीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी बड़े शौक से सुन रही, सुनने दीजिए ना प्लीज। सुनने दीजिए, तुम चलो यहाँ पर, बड़ी कव्वाली सुनोगी रात में। लेकिन वो कितना अच्छा। अरे क्या अच्छा था, चलो ऊपर आओ, अच्छे से बजाइए कव्वाली। जी जी भाभी जी, आपका हुक्म सर आंखों में भाभी जी। भैया जी, आर्टिस्टों की इंसल्ट है रही है। देखिए 2 क्विंटल घी तो लगेगा ही लगेगा। क्या है कि बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए नहीं, क्या है कि अगर कुछ मेहमान नहीं भी आए तो फिर उन्हें खाना पार्सल करना पड़ेगा। जी हाँ, अरे कुछ ना कुछ मनुष्य टाइप के लोग घर में आए हुए हैं। अच्छा तो हम कह रहे थे कि अरे भाई पेमेंट हो जाएगी ना, कि भगे जा रहे हैं क्या? तो दे देंगे पेमेंट। क्या हो गया, का इतनी डकारे ले रहे हैं? भाई भाभी जी ने कमाल के समोसे बनाए थे, 4-5 पेल गए, थोड़ी एसिडिटी हो रही है। मुफ्त के समोसे पेलना आता है? काम धंधा तो आपके बस की बात है नहीं। अरे हाँ, काम धंधे से याद आया कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है? क्यों, गिफ्ट में ताजमहल देने वाले हैं क्या? अरे हम कव्वालों की का इतनी हैसियत की अपनी महबूबा मतलब आप लोगों को ताजमहल गिफ्ट में दें। तो फिर क्या गिफ्ट करने वाले हैं?
अपना फन गिफ्ट करेंगे। ओ, फन मतलब नागफन? जी नहीं, कव्वाली गाएंगे, कव्वाली। देखिए क्या लोगों से 25 लेते हैं, आप हमारे प्रिय पड़ोसी हैं, आपसे हम 15 ले लेंगे। चलिए बस। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको देखिए ज्यादा लग रहा, तेरी ये औकात की तू हमारे साथ सौदेबाजी करेगा और तू हमें सिखाएगा कि हमारे प्रोग्राम में किस कव्वाल को गाना चाहिए और किसे नहीं गवाना चाहिए, और पेमेंट भी तू ही तय करेगा। रिलैक्स, तो ज्यादा लग रहा है आपको? चलिए 5 मिनट के करते हैं, दैट्स इट। चल बड़ा, हाँ वो देख क्या है। दिस यू कांट डू दिस। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। भाभी जी ये कव्वाली आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही, बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। हाय देखा है अभी जी, क्या है कि आप हुस्न वाली हैं और हुस्न वाले लूटते नहीं, लूट लेते हैं। क्या बोले भाभी जी? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यही कव्वाली आपको अपनी आवाज में गा के सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाइए ना। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे। क्या बात है, क्या बात है भरभूति जी, सच्ची का कमाल का कव्वाली गाते हैं आप। शुक्रिया भाभी जी। की आवाज में वो जो दर्द है ना, सच्ची बहुत 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 अच्छे। दर्द तो है लेकिन भाभी जी आपके जड्डू के भैया हैं, दर्द सुनते नहीं हमारा। काहे काहे नहीं सुनते हैं? आई डोंट नो काहे नहीं सुनते। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि अपने फंक्शन में मुझे मौका दीजिए, लेकिन लथाड़ दिया उन्होंने मुझे। भाभी जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी टोली की ख्वाहिश है कि आपके घर में हम लोग पहला कॉन्सर्ट करें। किसका सरट? भाभी जी अपना पहला प्रोग्राम जो है ना आपके घर में। आप प्रोग्राम कव्वाली गाने का? जी जी जी। हाँ तो दीजिए ना, कौन रोके का? नहीं भाभी जी लेकिन आपके लड्डू के भैया है वो उनका चिंतन आए कीजिए, हम अभी बात करके सब सुलझा देते हैं, मना लेंगे। हाँ हेलो। आ हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जियो मोर बच्चे, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी। ओ का है ना, हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो अम्मा जी वो अपने पड़ोसी है ना भरभूति जी। हाँ वो नल्ला का हुआ, वो नल्ला का अगोरी बेटी अल्लाह मार के निकाल दी का? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अम्मा जी खुशी का बात ये है कि वो नल्ला अब नल्ला नहीं रहा, वो ना कव्वाल बन गए हैं। कव्वाल बन गया है? सही पकड़े हैं। वो नल्ला कव्वाल बन के का कव्वाली का कबाड़ा करेगा है? नहीं अम्मा जी, हम अभी सुने रहे, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत दर्द है उनका आवाज में। तो अगर आप हमको इजाजत दे तो आका उनको अपने जंक्शन में फंक्शन सही पकड़े हैं, उनसे वो फंक्शन में कव्वाली गवाले का। तुम्हारा फंक्शन है बिटिया, बहुत खुशी का दिन है, तुम जिसको चाहो बुला बुला लो, नल्ले को बुला लो, चलेगा। हाँ कछु भला भी हो जाएगा, वो बेचारा गरीब का है। ठीक बा अम्मा जी, थैंक यू। 15 15 बोल दीजिए, 15। केवल 15 रुपए में? 15,000। अब अम्मा जी अब 15,000 दे देगा? अरे बहुरिया, कभी कभी तो बेचारे लोग को कमाने का मौका मिलता है, है? तो 15 का एक काम करो, का पूरा 25,000 अपने ऊपर से न्योछावर करके उसका दे दो, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, अथांकु प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। अम्मा जी बोल। अरे दे रहे हैं, ई लो। गया। अरे वाह, ये नारियल पानी कौन का है, बहुत ही टेस्टी है। अरे हमरा है, रुको। अभी जी मैं आपकी अम्मा को डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिजास्टर्स, पथेटिक समझता था, लेकिन उनकी पास उनकी मुझे लगा कि कद्दू चाहे कितना भी सख्त हो ऊपर से, अंदर से पिलपिलाई होता है। कद्दू? कद्दू यहाँ कहाँ से आया? आपके हाथ में कद्दू है? अब अभी जी भी कद्दू नहीं है, आपकी अम्मा जी हैं, ऊपर से सख्त अंदर से पिलपिली।
आप कैसे ले रहे भाभी जी? दिया, ये कछु भी बोलते हैं सच्ची।